आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन आपका सदिश गुणन से, उसमें दिया गया सदिश बीजगणित में विस्थापन कौन सी राशि है। ठीक है, हमें बताना कि आपको जो विस्थापन होता है सदिश राशि होती है या अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले आपका सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए, ठीक है, जिनको आपको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या परिमाण, ठीक है, परिमाण व आपकी दिशा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, आपकी सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या होंगी हमारी, ठीक है, तो अदिश राशि यहाँ पे बता देंगे। तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं आपको जिसको निरूपित करने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है, ना कि दिशा की। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम क्या करें, केवल परिमाण हमें दिया गया हो, हम उससे निरूपित कर देंगे ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है, अगर सदिश राशि में दिशा भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विस्थापन, ठीक है, विस्थापन का हमारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश है। ठीक है, तो हम देखो जानते हैं वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेग बराबर होता है आपका बल और गुणे विस्थापन। ठीक है, यहाँ से हम विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, तो विस्थापन का जो मान निकलेगा आपको किसके बराबर निकलेगा, वेग बटे बल, वेग बटे बल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेग भी हमारी क्या सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें किसी भी चीज़ आपका दिया गया, हमें इस आपकी वस्तु दी गई है आपकी, इसमें हमें क्या निकालना है आपका, इसमें हमें अगर इसमें विस्थापन निकालना हो तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लगाएंगे इसमें। ठीक है, कितना बल लगाया हमने, एफ बल लगाया। ठीक है, और यहाँ पर कितनी इसकी दूरी, इतने कितना भी स्थापित हुआ। ठीक है, तो कभी हो सकता है आपका विस्थापन हमारा क्या हो सकता है आपका, ठीक है, शून्य भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन हमें ये बताना होगा किस ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, यानी परिमाण के साथ साथ कितने उसका फोर्स लगा और किस दूर, किस ओर, या आपको हम किस दक्षिण की ओर लगाया कि आपके पश्चिम की ओर लगाया। ठीक है, तो इसको निरूपित करने के लिए हमें साथ साथ विस्थापन भी बताना पड़ेगा किस ओर विस्थापित हुआ ये। ठीक है, तो इसको निरूपित करने के लिए देखो परिमाण की जो आवश्यकता लग ही रही है, साथ में दिशा की भी लग रही है। ठीक है, तो आपको जो दिया गया विस्थापन है कैसा होगा हमारा, ये एक आपका सदिश राशि होगा। ठीक है, सदिश राशि होगी, क्योंकि इसको निरूपित करने के लिए हमें बल और आपकी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती है जिसको केवल परिमाण की, परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम कहें समय। ठीक है, अब समय जैसे हम कहें कि यहाँ पे समय कितना है, हम कोई दिशा, समय की कोई दिशा होगी नहीं कि किस दिशा में निरूपित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका समय का हमने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, समय उदाहरण होगा आपके अदिश राशि का, और जो दिया गया था क्वेश्चन में विस्थापित। ठीक है, तो विस्थापन हमारा राशि होगा आपका किसका, सदिश राशि का। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।